हेलो स्टूडेंट बेटा, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसका मतलब आरएमएस एपरेंट आ जाए, इफेक्टिव आ जाए, वर्चुअल आ जाए, चारों का मतलब एक ही है। कहीं किसी बुक में आरएमएस लिखी मिलेगी, किसी में एपरेंट, किसी में इफेक्टिव, किसी में वर्चुअल की, इसका मतलब होता है आरएमएस वैल्यू। ठीक है, ये यदि हम कंप्लीट साइकिल के लिए बात करके चले, चाहे हाफ साइकिल के लिए बात करके चले, दोनों के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स आरएमएस, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1/t जीरो से लेकर टी तक लिमिट एक्स स्क्वायर इंटू डी टी पूरे की पावर हाफ। तो 1/t बाहर आ जाएगा, जीरो से टी लिमिट हो जाएगी एक्स की जगह, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी यदि हम पुट करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, ये पुट करेंगे, ये पुट करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगी, कोस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, इसकी पूरे की पावर किसके बराबर हो जाएगी, 1/2। इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो भी आपके पास आएगा, ये एक्स नोट हम बाहर ले लेंगे, एक्स नोट बाहर लेकर किसके बराबर हो जाएगा, जीरो टी साइन स्क्वेयर ओमेगा टी इंटू में डी टी, इसको हम पूरे को सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, यदि हम इसको आई आर एम एस से भी डिनोट कर सकते हैं, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, आई नोट अपॉन रूट टू। मैंने पहले बताया था आर एम एस वैल्यू चाहिए कंप्लीट साइकिल के लिए हो, चाहिए फुल साइकिल के लिए, दोनों के लिए क्या होती है, सेम होती है। फिर आता है बेटा पावर लॉस। पावर लॉस होती है पी होती है वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज इंटू करंट की बात करें तो वी की वैल्यू हो जाएगी वी नोट साइन ओमेगा टी इंटू में आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वी नोट आई नोट बाय टू। ठीक है, वी नोट आई नोट टू से डिवाइड कर दिया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये होगा टू साइन ओमेगा टी इंटू में साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एक फॉर्मूला होता है टू साइन सी साइन डी, टू साइन ए साइन बी। ठीक है, उसमें वी नोट आई नोट कोस ओमेगा टी कोस ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कोस फाइव बच जाएगा, माइनस कोस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ओमेगा टी और ओमेगा टी क्या हो जाएगा, टू ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको आप सोल्व करेंगे एवरेज के लिए तो वी नोट आई नोट बाई टू कोस फाइव किसके बराबर हो जाएगी, वी नोट आई अंडरूट में लिख सकता हूँ टू आई नोट अपॉन अंडरूट टू, टू को दो पर लिख दिया अंडरूट टू इंटू अंडरूट टू कोस ऑफ फाइव, ये होगी वी आर एम एस, ये होगी आई आर एम एस। तो एवरेज पावर की यदि हम बात करके चले तो पी एवरेज किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी वी आर एम एस आई आर एम एस कोस ऑफ फाइव। नोट कर लेना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यदि इफ नथिंग इज मेंशन, यदि आपको न्यूमेरिकल में दे रखा है, यदि कोई चीज़ मेंशन नहीं कर रखी, कहीं पर 220 वोल्ट लिखी हुई है या और कुछ वोल्ट लिखी हुई है, तो वो एसी वोल्टेज है ना, उसको आप आरएमएस वैल्यू मानकर चलेंगे न्यूमेरिकल्स में सभी में। ठीक है, यदि हम दूसरी बात करके चलें फॉर हीट और पावर कैलकुलेशन, जब भी हीट और पावर का कैलकुलेट की बात आएगी तो उसमें केवल आरएमएस वैल्यू ही आपको यूज करनी है, ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल्स करवाऊँ तो उसमें 220 वोल्ट लिख की मिलेगी, वो सीधे आपको क्या पुट करनी है, वी आरएमएस वोल्टेज एसी वोल्टेज आरएमएस वैल्यू ही गिवन होगी उसके अंदर। अब बेटा ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है कि 220 वोल्ट एसी इज मोर डेंजरियस देन 220 वोल्ट डीसी। कई बार क्वेश्चन हो, क्योंकि पीक वैल्यू ऑफ एसी होती है वो 311 वोल्ट होती है, कैसे होगी, आपको पता है अभी आपने निकाली है कि वी आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडरूट आई नोट अपॉन अंडरूट टू। यहाँ से आई नोट की वैल्यू निकालोगे तो आई नोट की वैल्यू होगी आई आर एम एस इंटू अंडरूट टू, ये 220 वोल्ट है ना, ये आर एम एस वैल्यू है, इसको अंडरूट टू से गुणा करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगी, 311 वोल्ट हो जाएगी। क्लियर, एक न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं, आपको दे दिया जाए आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू साइन ओमेगा टी, इसकी एवरेज वैल्यू निकालो और क्या निकालो, आरएमएस वैल्यू निकालो। तो एवरेज वैल्यू के लिए यदि हम बात करके चलें तो ये हो जाएगी आई इज इक्वल टू आई टू साइन ओमेगा टी ये टी। अब देखो ये हो जाएगा आई वन आई टू साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास आई वन। दूसरी की यदि हम बात करके चले आई आर एम एस की वैल्यू की बात करके चलें तो आई का स्क्वेयर
इसकी पूरे की पावर किसके बराबर हो जाएगी, हाफ, तो ये हो जाएगा आई टू का स्क्वेयर, इसके स्क्वेयर करेंगे तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की बात करें तो ये आई वन का स्क्वेयर प्लस आई टू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस टू आई वन आई टू को साइन ऑफ ओमेगा टी इसकी पूरे की पावर हाफ। अब देखो ये आई वन स्क्वेयर इसकी पूरे की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आई टू स्क्वेयर बाई टू, बाकी इसकी साइन ओमेगा टी की क्या हो जाएगी, जीरो, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब जो फेजर डायग्राम की बात करते हैं ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। फेजर क्या होता है, जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है विद साइन दैट इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एरो हेडेड स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, व्हेन ए फिजिकल पैरामीटर चेंज विद साइन देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एरो हेड स्ट्रेट लाइन एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड फेज, वेयर लेंथ ऑफ द लाइन इज रिप्रेजेंट पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू करती है। फेजर क्या होता है, इट इज़ अ डायग्राम हैविंग फेज करंट एंड वोल्टेज बोथ, करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज बताएगा वो क्या होगा, फेजर डायग्राम होगा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, वी इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी एंड आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस 30। अब देखो इन दोनों में है ना, ये करंट है वो प्लस 30 डिग्री आगे चल रहा है, इसका मतलब करंट वोल्टेज से आगे चल रहा है, कितना फेज डिफरेंस 30 एंगल, और इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 6 भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों से कोई पूछ ले भाई क्या डिफरेंशिएट है, तो आप क्या लिखोगे, वोल्टेज है वो करंट से या तो पीछे चल रही है पाई बाय 6, ठीक है, या फिर करंट है ना वो वोल्टेज से आगे चल रहा है कितना 30 डिग्री या पाई बाय 6। डायग्राम यहाँ वी नोट लेकर चलते हो तो यहाँ वी नोट लेकर चलोगे तो बेटा ऊपर की तरफ 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, आई नोट, यदि आई नोट इधर लेकर चलते हो तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, वी नोट। दूसरा एग्जांपल लेकर चलते हैं, वी इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी एंड आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस 45 डिग्री। अब देखो 45 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4, तो इसका मतलब करंट वोल्टेज से पाई बाई 4 है ना फेज डिफरेंस पीछे चल रहा है, तो इसका मतलब इनका फेज डायग्राम ये हो जाएगा इस प्रकार से। अब फेज डिफरेंस क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेज ऑफ वेलोसिटी एंड करंट, करंट और वेलोसिटी के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वही क्या कहलाएगा, फेज डिफरेंस। पावर फैक्टर हमेशा किसके बराबर होता है, कोस फाई। अब बेटा तीन प्रकार के होते हैं, एक तो रेजिस्टेंस होगा, एक इंडक्टर होगा, एक कैपेसिटर होगा, हम उसको एसी के साथ जोड़ेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, एक केवल रेजिस्टेंस ले लिया, उसको आपने एक वोल्टेज से जोड़ दिया, वोल्टेज क्या है, एसी, और एसी को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, वी इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से आपने केवल रेजिस्टेंस ले लिया, वोल्टेज लगा दी, वी इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। अब किरचॉफ लॉ यूज करें तो वी इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, आई आर, या आई इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, वी बाई आर। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू वी बाई आर, वी की वैल्यू क्या पुट कर रखे, वी नोट साइन ओमेगा टी पुट कर दो, यहाँ से वी नोट बाई आर किस के बराबर हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नोट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वी नोट बाई आर। क्लियर बेटा, अब इसमें फेजर डायग्राम पढ़ेंगे हम, फेज किस प्रकार, फेजर डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है,